integrate it. Add wings to your career. Welcome back to our channel, Integrate It. पिछले लेक्चर तक अपन ने simple principal stresses and principal strains chapter start कर लिया था और analytical method देखे थे. आज अपन Bohr circle method करने वाले हैं. सीधे इसपे चलते हैं method पर. बहुत आसान method है और इसके ऊपर question बनता ही बनता है. कैसा भी question, कैसा भी पेपर हो, स्टेट AJEE हो, SSC हो, यहाँ तक कि गेट हो, ठीक है, मोर सर्कल के ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और आसान होते हैं, ठीक है. तो चलो अब मोर सर्कल मेथड अपने को क्या करना. देखो, एक अपन को पहले लोडिंग तो माननी पड़ेगी, ठीक है, YXL लोडिंग ले लेते पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि सिंगल अब यूनिएक्सएल लोडिंग करके करना क्या, अपना काम तो कम से कम माइनर तो ले, YXL तो ले, तो ये P2 ये P1 तो ये कौन सा लोड है. देखो दोनों कौन से स्ट्रेसेस हैं, लाइक स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, दोनों लाइक स्ट्रेसेस हैं, यानी कि क्या होंगे, दोनों टेंशन, अगर दोनों कंप्रेशन होंगे तब भी लाइक होंगे, ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं मोर सर्कल्स. सीधे अब मोर सर्कल से अपने को सबसे पहले एक बनानी होती है, एक एक्सिस और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी होती है. अब मैं सीधे प्रोसीजर प्लस मोर सर्कल डायरेक्ट बनाना बता रहा हूं, ठीक. ये है हमारा पॉइंट O. तो हमारे पास चीज क्या है, P1 और P2 निकालने क्या क्या है, किसी जनरल थीटा पर, अभी अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी, किसी ऑब्लिक प्लेन पर PN और PT चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले अगर मान लो P1 की वैल्यू कुछ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और P2 है कुछ 20, ठीक, ये है 10, ये है 20, तो हमें ऐसी स्केल सेट करनी, सबसे पहले ऐसी स्केल सेट करें कि इस स्केल पर एक P1 और P2 यहां पर x एक्सिस पर ड्रॉ कर सके, ठीक है. तो बताओ P1 अगर P1 को बड़ा मान लेते हैं क्योंकि ये 1 है, इसलिए तो P1 अगर 20 है और P2 अगर 10 है, ठीक, तो मैं 10 को यहां प्लॉट करूंगा, 20 को यहां प्लॉट करूंगा, ठीक है, स्केल के वाइज. बस अभी हमें कुछ सर्कल वर्क में कहीं आया, सिर्फ और सिर्फ क्या देखा मैंने कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, यानी यहां पर ये क्या डिनोट कर रहा है हमें P2 को, और ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा, अभी मैं उसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, सर्कल ड्रॉ करना है. ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा P2 को, और ये वाला पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है हमारा P1 को, ठीक. ये था हमारा O. अब मुझे मोर सर्कल बनाना है, तो नाम से सर्कल को चल रहा है, तो सर्कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्रॉ करने के लिए, एक तो रेडियस और एक सेंटर, ठीक है. अगर ये वाली वैल्यू P2 है और ये P1 है, ये वाली वैल्यू P1 है और ये P2 है, तो सेंटर हमारा मोर सर्कल में जो सेंटर होगा वो इसके सेंटर में, यहां से, यानी कि अगर ये लेंथ P2 थी, ये लेंथ P1 थी, अगर मान लो ये 10 है और ये 20 है, तो 15 होगा हाफ, कहने का मतलब, तो 15 कैसे आया, हाफ ऑफ P1 प्लस P2 आया कि नहीं आया. तो ये लेंथ यहां से O से लेके C तक, O से लेके C तक कितनी लेंथ आई, हाफ ऑफ P1 प्लस P2, और बचेगी कितनी, ये जो बचेगी अब वो क्या आ गई, रेडियस आ गई, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो तो इन दो डायमीटर तो हमें पता था कि P1 और P2 है, बट सेंटर लोकेट नहीं था, सेंटर से लेके ये सेंटर लिया, ये रेडियस लिया, मेरे को ऐसे बनाना है, क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है. तो ये लो भैया, मैंने ये लिया सेंटर और इसको ऐसे खींच के ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है. ये सर्कल थोड़ा अजीब बना है, अच्छे से बना लेते हैं, एक बार अपन सर्कल तो अच्छे से बनता है, लो बढ़िया सर्कल बना लेते हैं, ठीक है. तो ये हमारा एक्सिस थी, अब ये वाला पॉइंट कौन सा था, देखो अब मैं सीधा पॉइंट्स पे आ रहा हूं, ये वाला पॉइंट था हमारा P1 और ये वाला हमारा पॉइंट था P2, आगे नहीं था, और ये थी हमारी सेंटर C. तो ये वाली रेडियस, अब ये वाली, अब देखो ये लेंथ हमें पता है, ये भी लेंथ हमें पता है, ये भी लेंथ पता है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, हाफ. अब मैं सीधे लिख रहा हूं, यहां वाली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ P1 प्लस P2, बचेगी कितनी, हाफ ऑफ P1 माइनस P2. तो यहां पर रेडियस, अब मैं रेडियस की बात करूं, तो रेडियस की बात करूं, इसको पॉइंट दे दो A, इसको पॉइंट दे दो B, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, CB के बराबर या AC के बराबर, और कितनी आएगी, हाफ ऑफ P1 minus P2. ये P1 और P2 अपने को पता है already, क्योंकि ये एक हमारा element था, इस element पे दो क्या लग रहे हैं, stresses लग रहे हैं P1 और P2. अब अपन ने क्या draw कर लिया, circle तो draw कर लिया,
ठीक, अभी तक अपने को थीटा थोड़ी पता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ P1 और P2 प्लॉट हुए भाई साहब। अभी हमें स्ट्रेसेस थोड़ी निकले हैं, P1 और P2 तो निकले ही नहीं अब तक। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, प्लॉट P1 एंड P2 टू द सम स्केल ऑन x एक्सिस, ठीक है। अब दोनों अलाइक है, सॉरी दोनों लाइक है तो दोनों इसी साइड प्लॉट होंगे। अगर P2 नेगेटिव होता तो ये P2 वाला यहां आ जाता माइनस में, ये तो दिखती बात है। कभी अपन x एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो माइनस x यहां आएगा, प्लस x यहां आएगा, ठीक। तो ये आया P1, ये आया P2, ये आई हमारा सेंटर। रेडियस भी हाफ ऑफ P1 माइनस P2 निकाल चुके हैं, ठीक है। अब खेल देखो, मुझे क्या चाहिए, PN एंड PT। PN एंड PT मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस एट थीटा एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस एट थीटा। तो ये जो नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस है वो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे। अब मेरे को तो थीटा है ना, क्योंकि ये थीटा वेरी कर रहे हैं, तो क्योंकि किसी एक एंगल थीटा पे मेरे को चाहिए ना। तो अब जो मेरे को थीटा है ना वो यहाँ से ऐसे, किधर से, इस एक्सिस से मेरे को ये 2θ, ये 2θ, ये 2θ में मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ये जो DE है, ये जो DE है, इसका जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, इसका जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो तो डिनोट करेगा हमको टेंजेंशियल स्ट्रेस। और ये O से लेके D तक जो लेंथ है, O से लेके जो D तक की लेंथ है वो क्या डिनोट करेगी हमें, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। किस थीटा पर, थीटा पर। अब ये बोलोगे सर ये 2θ कहां से आएगा, क्लीन मेथड है, हमें 2θ पे ही ड्रॉ करना है। अगर थीटा 15 है तो हमें 30 डिग्री पे एक एंगल बनाना है जो ये लाइन कट करेगी D। अब ये लाइन है, ये पॉइंट कट करेगा D हमारा, किस पर, सर्कल पे। उससे मैंने एक निकाली, ये परपेंडिकुलर है, तो DE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, DE की लेंथ। अब ये कुछ लेंथ आएगी ना, वो सीधे सीधे लेंथ कितनी हो जाएगी, PT के बराबर। और OD कितना आ जाएगा, PN के बराबर। अब सर बोले कि सर हम PR कैसे निकालें, PR कैसे निकलेगा, PR ऐसे निकलेगा, ये PR है, O से लेके यहाँ से, ठीक है। ये OD को ये मत ले लेना, ये वाली है, ठीक है। OD तो फिर ये वाला आ जाएगा, ये OD PN नहीं हो जाएगा, PN हमारा ये हो जाएगा। इसको नाम कुछ और दे दो, F दे दो, तो D से लेके F तक तो कितनी आ जाएगी लेंथ। अब ये जो लेंथ है वो हमें क्या देगी, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये PR हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ और एंगल बनाएगा इससे फाई, तो निकाल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत, ठीक है। तो ये मोर सर्कल मेथड हमने क्या देखा, किसके लिए देखा, अभी तक शेयर तो आया ही नहीं है खेल में, अभी तक शेयर तो आया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ P1 और P2 के लिए आया है। अब हमें क्या देखना है, शेयर के लिए देखना है। एक और अब शेयर आ जाएगा सीधे सीधे, चलो अब अपन शेयर के लिए बनाते हैं। मोहर सर्कल मेथड के और कुछ कंक्लूजन होते हैं उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आएगा। तो एक हमें ये पहले शेयर वाला केस देखेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल, वो माइनर प्रिंसिपल प्लेन और वो सब भी देखेंगे। अभी आएगा तो सब चीजें ना, जो एनालिटिक हमें पढ़ा था अपन ने, वो का वो हमारा किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो अब यहाँ देखो, अब ये जो हमारा एलिमेंट था, अब यहाँ पर क्या क्या लगेंगे, P1 और P2 तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में और क्या क्या लगेगा, एक शियर भी लगेगा Q, एक Q का शियर भी लगेगा, P2 और ये बनेगा Q और ये बनेगा Q। फिर अब वापस मैं मोर सर्कल प्लॉट कर रहा हूँ। तो पहले मैं सीधा सर्कल बना रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा ये कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, ओके। तो अब देखो क्या-क्या गिवन है हमारे पास, वापस P1, P2 और Q गिवन है, और हमें चाहिए क्या-क्या, नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक। तो अब देखो, अब ये सर्कल अभी बनाया नहीं, मैंने सर्कल ड्रॉ कर रखा है, सर्कल के अभी रेडियस और वो सब निकलेंगे, ठीक है। वापस मैंने सबसे पहले क्या-क्या ड्रॉ कर दिया, अब वो डायमीटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये वाला तो है P2, यहाँ है P2, ये मैंने पॉइंट क्या दिया था, B पॉइंट दिया था, याद करो, और ये पॉइंट दिया था A, ठीक है। ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक P2 थी, और ये वाली ले लो इधर, ये वाली कहलाएगी हमारी P1, ठीक। तो सेंटर तो लोकेट कर सकता हूँ, सेंटर तो वापस कितना आएगा, हाफ ऑफ P1 प्लस P2 ही आएगा, सेंटर C,
ठीक है, ये तो हमारा सेंटर तो हमारा वापस वही आएगा, हाफ ऑफ, इसमें भी आएगा हाफ ऑफ पी वन प्लस पी टू आएगा। बट अगर मैं हाफ ऑफ पी वन माइनस पी टू कर दू ना, तो ये रेडियस आगे चली जाएगी। ठीक है, हमने को तो ये लेंथ पता है हाफ ऑफ पी वन माइनस पी टू, तो ये है अपने को तो रेडियस चाहिए। ठीक है, और अभी एक शीयर तो रोल आया ही है, अभी तो मैंने शीयर को तो प्लॉट किया ही है। तो शीयर, अब ये जो क्यू है, ये जो क्यू है, अगर शीयर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड्स ड्रॉ करेंगे, और शीयर अगर नेगेटिव है वो अपवर्ड्स ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो इस फेस पर ए पर हमारा शीयर पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ क्यू ड्रॉ करूंगा, ये लेंथ जो होगी ना वो क्यू होगी। अभी तक अपने सर्कल ड्रॉ नहीं किया है, क्या किया है, ए बी और सी को प्लॉट किया है। अब ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जितनी क्यू लेंथ है उतना एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, किसके परपेंडिकुलर, दिस ये पॉइंट ले लो एफ, और ऐसे ही बी से नेगेटिव आएगा, ये पॉइंट ले लो जी। अब इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ती हुई जो लाइन आएगी ना वो हमारा डायमीटर मिलेगा सेंटर का, और ये जो आएगी हमारी रेडियस आएगी। ठीक है, इस रेडियस को मान के मुझे अब सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मानो ये अब ये ऐसे सर्कल बना है। ओके, तो ये आया इसकी रेडियस। अच्छा, अब ये लेंथ क्यू थी और ये लेंथ हमें पता चुके हैं हम कितनी थी, हाफ ऑफ पी वन माइनस पी टू थी, थी ना, सी से लेके ए तक, और ये था 90। तो आर निकाल सकता हूं मैं, आर सीधे सीधे कितनी आ जाएगी रेडियस हमारे इसकी, अंडर रूट ऑफ हाफ पी वन माइनस पी टू का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये किसके लिए बना, मोर सर्कल, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। ठीक है, ये भी क्यू है। चलो, तो ये मोर सर्कल हमने बाई एक्सियल, हाँ बाई एक्सियल लोडिंग प्लस सिंपल शीयर है। तो अब यहां देखो, अब कंक्लूजन की बात करेंगे इसकी। ठीक है, अब कंक्लूजन, ये डायग्राम बना रहेगा यहाँ पर। अच्छा, अभी ये तो बताया नहीं कि नॉर्मल स्ट्रेस, अभी नॉर्मल आगे तो बताया नहीं, क्योंकि अपने को क्या बाकी है, थीटा। अभी किसी थीटा पर, किसी थीटा पर हमने नॉर्मल और शीयर टेंजेंशियल स्ट्रेस तो निकाले नहीं, मतलब सिर्फ मोर सर्कल पे ड्रॉ हुआ है ना, है कि नहीं। अब वापस वही, अब मुझे 2 थीटा किससे बनाना पड़ेगा, इस एंगल से, CF से 2 थीटा पर, CF से 2 थीटा पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे पिछली बार भी 2 थीटा किया था ना, CF से 2 थीटा पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो ये पॉइंट D देगा, जो ये पॉइंट D देगा, और ये वापस DE, DE, तो DE तो हमें क्या डिनोट करेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और यहां से ये लेंथ, ये वाली। ठीक है, ये नॉन करेंगे हमें नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है ना, क्योंकि हमें चाहिए तो नॉर्मल, अभी अपन ने सब बोलेंगे भैया रेडियस निकाल के क्या करना है, मोर सर्कल बना के क्या करूं, मुझे चाहिए तो पीएन और पीटी। तो मैंने जब ये डायग्राम ड्रॉ किया और फिर वापस स्केल से नापू कि ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ हमें क्या देगी, हमें पीएन देगी, और डी से लेके ई क्या देगा हमें बताओ, टेंजेंशियल स्ट्रेस देगा। अब वापस वही, टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर ऊपर प्लॉट हो रहा है तो नेगेटिव, टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर नीचे प्लॉट होगा तो पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन। ठीक है, जस्ट अभी इसके साइन कन्वेंशन पे भी आ रहा हूं मैं, के अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस हम अपवर्ड्स देखें, अपवर्ड्स तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और अगर डाउनवर्ड्स हैं तो होता है पॉजिटिव, बस। और नॉर्मल अगर इधर है, राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, क्योंकि ये तो अभी अलाइक स्ट्रेसेस थे P1 और P2। अगर P2 यहाँ होता या P1 यहाँ होता तो ये सर्कल कुछ इस तरह से बन जाता, ये था O। ठीक, तो ये PT की बात कर रहे हैं, और नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल अगर राइट में है तो पॉजिटिव, और लेफ्ट में तो अपने आप नेगेटिव, लेफ्ट में तो नेगेटिव, क्योंकि ये नॉर्मल प्लॉट कर रहे हैं ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, और ये डी से लेके ई वर्टिकल कोऑर्डिनेट पीटी है। क्लियर मोर सर्कल? अब इसके ये अभी तक भी कुछ भी चीज हमारे जो क्वेश्चन कहां से बनेंगे, इसके कंक्लूजन से बनेंगे। ठीक है, ये इनका जो कंक्लूजन आएगा कि ये डी अगर ऐसे हो, या ये डी इधर लाइन कर रहा हो, या डी इधर लाइन कर रहा हो, अब वो खेल है। ठीक है, तो मेन सारा जो मोर सर्कल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, उसके कंक्लूजन के ऊपर आते हैं कि अपन मैक्सिमम और मिनिमम कहां आएगा, किस थीटा पर आएगा, कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह। ओके, और इस एंगल को अपन, या ये जो बनाता है उसको बीटा बोलते हैं। ठीक,
अब सीधे मोर सर्कल के अपने कॉन्क्लूजंस पे आना है, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सीधा क्वेश्चन पुट आउट होते हैं कि मोर सर्कल तो अपन ने बना दिया, अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे, इसके ऊपर अपन बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के अपन कुछ समझ नहीं सकते हैं, क्वेश्चंस तो हमें करना ही पड़ेंगे। और फिर आगे कौन से करेंगे, थ्योरीज ऑफ फेलियर, सारा सिलेबस कवर करेंगे अपन, ठीक है। अभी देखो ज्यादा पढ़ोगे तो नुकसान नहीं होगा और कम पढ़ोगे तो जरूर नुकसान होगा। चलो अपने कॉन्क्लूजंस की बात कर रहा हूं, इसकी मोर सर्कल की, जो अपन अभी अपन ने वापस में वापस बार बार एलिमेंट नहीं बना रहा, वो P1 P2 सब वही है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट मोर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके कॉन्क्लूजंस पे आऊंगा, और शेयर भी ऑलरेडी लग रहा है, ठीक है। ये था तो बताओ सीधे सीधे, ये सी प्लॉट हुआ, ये ए प्लॉट हुआ, बी था यहाँ पर ना, ये बी था, ये ए था, क्या किया अपन ने, एक शेयर ऐसे एक शेयर ऐसे, और इनकी लाइन जुड़ा मिला दी सी से डायमीटर, ये था क्यू, ये था क्यू, ठीक। और डी किसी एंगल थीटा पे था, ठीक है। यहाँ मैं पॉइंट दे देता हूँ इसको ए बी सी, कहाँ कहाँ डी कहाँ पहुंच गया था, डी तो वो आएगा, ठीक है। यहाँ पर था ई, ई तो डी का डी था ना, एफ था यहाँ पर एफ, और ये था जी, इसको नाम दे दो आई, इसको नाम दे दो जे, और इसको नाम दे दो एच, सारे देखो सब हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। पहला केस, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस अगर टू थीटा, अगर टू थीटा ये हो, क्योंकि अपन थीटा यहां से लेते हैं, सी एफ से लेते हैं थीटा हमेशा, अगर टू थीटा की वैल्यू बीटा के बराबर है तो डी कहां लाई करेगा, यहां पे देखो, अगर टू थीटा बीटा के बराबर है तो डी कहां लाई करेगा, यहां पे तो देखो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हमें किसकी, नॉर्मल स्ट्रेस की, और यहां पे टेंजेंशियल स्ट्रेस तो जीरो है, देखो वर्टिकल कोऑर्डिनेट तो कुछ है ही नहीं, यहां पे टेंजेंशियल स्ट्रेस तो जीरो है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां पर टेंजेंशियल स्ट्रेस है, पिछले लेक्चर में बताया था, इधर भी जीरो होंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो जहां पर टेंजेंशियल स्ट्रेस जीरो होते हैं वहां क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन्स। तो पहला केस तो क्या हो गया, फर्स्ट इफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू, अगर बीटा है, ठीक है, तो ये कितना लाई कर रहा है, सी और डी और आई कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि इस पर क्या हो रहे हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस तो जीरो हो रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूं अभी सिर्फ और सिर्फ इस केस की, जब डी और आई कोइंसाइड कर रहे हैं, डी एंड आई आर कोइंसाइड्स, ठीक है, मतलब डी हमारा यहां लाई कर रहा है, तो इधर क्या लाई करेंगे, देखो सिग्मा ए पी एन, अब ये पी एन की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहां पे तो कितना था, ये थी पी वन थी, ये वैल्यू कितनी थी, पी व्हाट 2 था, तो ये तो हमारी कितनी आई थी, ये वाली कितनी आई थी, हाफ पी वन प्लस पी टू थी, और ये रेडियस भी अपन निकाल चुके हैं, ये रेडियस आर, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट भी अपन निकाल चुके हैं, हाफ पी वन माइनस पी टू, तो मेरे को पी एन चाहिए, पी एन कितना आएगा इस केस में, हाफ ऑफ पी वन प्लस पी टू प्लस आर, ये आएगा ना, देखो एनालिटिकल प्लस दोनों साथ में ले रहा हूं मैं, हाफ ऑफ पी वन प्लस पी टू प्लस ये लाइन, तो मैक्सिमम नॉर्मल, इसको मैं क्या नाम दूंगा, सिग्मा मैक्स प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ पी वन प्लस पी टू प्लस अंडर रूट ऑफ व्हाट, ये रेडियस कितनी निकाल चुके अपन, पी वन माइनस पी टू बाय टू का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये रेडियस कैसे निकलेगी, ये क्यू था, ये हाफ पी वन माइनस पी टू है, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये रेडियस निकलेगी, तो ये सी से लेके आई तक या सी से लेके डी तक ये आर ये है और ये है, तो ये पूरी पी एन निकलेगी, और पी टी तो हमें जीरो पता ही है, सिग्मा मैक्स निकल चुका है। तो पहला कंक्लूजन क्या आया, कि अगर टू थीटा इक्वल टू बीटा है, ठीक है, ये कोई भी एंगल बीटा हो सकता है, मतलब ये डी और आई क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी यहां पर टेंजेंशियल स्ट्रेस जीरो, टेंजेंशियल स्ट्रेस जीरो और नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम, तो कौन सा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक। अब देखो अगर टू थीटा यहां ऐसे हो, सेकंड केस, इफ टू थीटा यानी बीटा प्लस 180 हो, यानी ये डी कहां लाई करेगा, अब इस बार यहां लाई करेगा, ये डी इस बार यहां लाई कर रहा है, तो यहां पर भी कौन जीरो है, पीटी जीरो है,
बट यहाँ पर टी एन तो सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया, इतना का इतना ही रह गया, ये पी टू ये था, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पी टू है, ये बी तक पी टू है, अब टी एन तो ये रह गया सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारा जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस में देखो ये पूरा हाफ ऑफ पी वन माइनस टू माइनस ये हो जाएगा, बस सीधा सीधा ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब रेडियस माइनस हो जाएगी, तो ये कौन सा प्लेन निकल जाएगा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन निकल जाएगा। और सेकंड केस अगर 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 प्लस बीटा है, देखो ये 180 और ये बीटा, तो वापस ये आ गया, तो हमारा PT तो अगेन 0 ही है, और PN जो हमारा ये क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी ये क्या होगा, सिग्मा मिनिमम या सिग्मा माइनर, ये माइनर प्रिंसिपल, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी हाफ पी वन प्लस पी टू माइनस में अंडर रूट ऑफ व्हाट, पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाय टू होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से क्या निकल गई, सिग्मा मिनिमम भी निकल गया, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी निकल गया। अब एक और तीसरा केस बचता है, अगर डी एच पर लाई करे, डी एच पर लाई करे, ठीक है, या इधर बल्ले नीचे ले लो, एक ही बात है दोनों, अगर डी एच पर लाई करेगा तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट मैक्सिमम दिख रहा है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट पी टी मैक्सिमम दिख रहा है, यानी मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस, थर्ड केस, या 2 थीटा इस बार कितना हो गया, 2 थीटा इस बार कितना हो गया, 90 प्लस ये 90 प्लस बीटा, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, PT क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगी, और किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी ना, क्योंकि ये C से लेके H तक रेडियस है, यानी अंडर रूट ऑफ व्हाट, P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा ये मैं तो कुछ चीज देखी देखी लग रही है, ये क्या देखी है, ये है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन अपॉन 2, जो भी अपन ने सिग्मा मैक्सिमम निकाला था ना और उसका मिनिमम, देखो दोनों वो P1 प्लस P2 वाली तो काम कट जाएगी, और दोनों रेडियस वाली 2R डिवाइडेड बाय 2 वापस हमें रेडियस ही मिल जाएगा, तो ये आ गया दिस क्या है, ये PT है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, आगे बढ़, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और एक और चीज, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस जीरो मत कर देना, नॉर्मल स्ट्रेस तो हमेशा आएगा ही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ P1 प्लस P2, हाफ ऑफ P1 प्लस P2, ये P1 P2 स्ट्रेसेस है, दोनों नहीं, ठीक है, तो हाफ ऑफ P1 प्लस P2। एक और कंक्लूजन इसका निकलेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जिससे सीधा सवाल आता है, बिल्कुल हर क्वेश्चन हर एग्जाम में कभी ना कभी आपको ये क्वेश्चन दिख ही जाएगा, ठीक है। देखो मैंने जो पहला केस लिया था, अगर मैं प्रिंसिपल प्लेन की बात करूं, वो 2 थीटा उस टाइम की किसके बराबर था, बीटा के बराबर था, नेक्स्ट में 2 थीटा p किसके बराबर था, बीटा प्लस 180 के साथ था, यहां से इसको p1 और p2 ले लो, ये कौन सा था, मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन, तो यहां से थीटा p1 तो बीटा बाय 2 के था और थीटा p2 था वो 90 प्लस बीटा बाय 2 के था, यानी जो प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं वो आपस में क्या एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, पहली चीज। और अगला देखो, जब अपन ने तीसरा केस लिया था, तीसरा केस में 2 थीटा किसके बराबर लिया था, बीटा प्लस 90 के लिया था, तो थीटा, ये थीटा इसको शियर वाला ले लो, क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम थे, तो थीटा एस बीटा बाई 2 प्लस 45 आ रहा है। ये देखो एक और नई कंक्लूजन मिला, कि जो जिस प्लेन्स पर हमारे शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं और जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं वो आपस में कितना एंगल बनाएंगे, देखो 45, इससे भी 45 पे डिफरेंस है, इससे भी 45 पे डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जो थीटा पी और थीटा एस है उनके बीच में 45 डिग्री का डिफरेंस होता है, और जो दोनों थीटा पी है, थीटा पी का मतलब प्रिंसिपल प्लेन्स, और जो दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स है उनके बीच में आपस में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है।
अपन ने ये कंक्लूजन देख लिए सारे के सारे। अच्छा अब सी अगर यहाँ पे लाइक ये वाला नेगेटिव है, ठीक है, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये अपवर्ड है और नीचे होगा तो डाउनवर्ड। तो सात बात समझ में आ रही है, अपन ने साइन डिफरेंस देखा, ठीक है। तो दो कंक्लूजन निकले कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक। अब अपन तो देखो अपन ने अभी तक मोर सर्कल देखा। मोर सर्कल में अपन ने क्या क्या निकाल दिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल दिए, प्रिंसिपल मेजर और माइनर दोनों निकाल दिए, ठीक है। अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देखे, पिछले लेक्चर में प्रिंसिपल स्ट्रेस देखा था एनालिटिकल मेथड से। अब बात करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेंस की, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्ट्रेंस की। तो बहुत आसान है नाम, प्रिंसिपल तो अपन समझ चुके हैं, प्रिंसिपल तो अपन समझ चुके हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेन मतलब जो स्ट्रेसेस जितने प्रिंसिपल जिस प्लेन पे हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लाई करेंगे उतने जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंस आएंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेंस। तो अगर मान लो अब मैं सीधा सिग्मा पर आ रहा हूँ, ठीक है, ये है, ये अगर सिग्मा 1 है, यहाँ अगर सिग्मा 2 है और यहाँ अगर सिग्मा 3 है, तो इवन इवन अपन ने इलास्टिक कांस्टेंट अपन ने वही निकाला था सिग्मा 1 माइनस 1 सिग्मा 2 बाई ई प्लस सिग्मा 3 बाई ई और बाहर क्या जाएगा, एक पॉइजन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे ही ई टू भी आ जाएगा सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई ई और ई 3 ले लो, ई 3 ले लो, ई 3 ले लो कितना सिग्मा 3 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन ई। ये तो तीनों तीनों डायरेक्शन में हमने क्या निकाल दिए, स्ट्रेंस निकाल दिए, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेंस निकाल दिए। अब मैं सीधे डायरेक्ट उसमें देखो, अब मेरे को क्या करना है, इवन माइनस ई टू कैलकुलेट करो, एक बार देखो इवन माइनस ई टू कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है, इवन माइनस ई टू को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखो सिग्मा 3 से सिग्मा 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचेंगे कौन से सिग्मा, इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, ठीक, तो ये बन जाएगा देखो सिर्फ डायरेक्ट ले लेना सिर्फ पूरा सिग्मा दिस माइनस ऑफ सिग्मा 2 बाई ई प्लस सिग्मा 3 बाई ई इनटू म्यू माइनस सिग्मा 2 अपॉन ई और ये माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई म्यू थोड़ी ई, ठीक। तो ये देखो ई1 माइनस ई2 कितना बन रहा है, 1 प्लस म्यू माइनस 1 प्लस म्यू बाय ई 1 प्लस म्यू देखो 1 प्लस म्यू बाय ई और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बन रहा है, ठीक है। देखो अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल मान रहा हूं, वो प्रिंसिपल क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वही आएगा, ठीक है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रेसेस है, ठीक है। तो यहाँ देखो अब अपन ने ये बचपन में फॉर्मूला देखा था कि जो जी होता है, जी कौन सा, जी क्या था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी की वैल्यू क्या देखी थी अपन ने, ई अपॉन 2 1 प्लस म्यू देखी थी, तो ये जाना जाना दिख रहा है बिल्कुल। तो ये तो मैं इसको सीधा सीधा देखो यहाँ से कितना दिख रहा है, ये ई उल्टा है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे इसकी मैं वैल्यू लिख सकता हूँ नीचे 2g, ठीक है, ये आ जाएगा। और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 भी अपन ने देखा था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 को मैंने क्या था बोला था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोला था और यहाँ आया है 2g, 2g आया और ये आया e1 माइनस e2। तो देखो जो सिग्मा मैक्स था, जो सिग्मा मैक्स था, अब जैसे मैंने वो देखा था क्या था, शियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट,
शीयर स्ट्रेस डायरेक्टली ओपन टू शीयर स्ट्रेन, तो ये कांस्टेंट निकल के आता है जी। तो ये जो शीयर स्ट्रेन है ना आपका, वो निकल रहा हूँ मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन। देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से हमें मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन क्या मिल जाएगा, ई वन माइनस ई टू के सीधे मिल जाएगा बराबर। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि ये क्या है हमारा, आ गया उधर गामा मैक्स, इसको मैं गामा मैक्स लिख रहा हूं। ये तो बस वही है शीयर स्ट्रेन, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन इतना सही था इसमें, क्योंकि वो तो था सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू, और यहाँ तो सीधे सीधे सिग्मा वन माइनस और ई वन माइनस ई टू ही हो जाएगा मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन। ठीक, तो अपन ने ये भी निकाल दिया। ओके, एक और चीज, तो E1 और E2 कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पर E1 वो हो तो डायरेक्ट, अभी तो ये अपन ने स्ट्रेसेस के टर्म्स में देखा, स्ट्रेन्स के टर्म्स में डायरेक्ट कैसे निकाले, क्योंकि पहले तो इनिशियल क्या लग रहे थे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 माना था अपन ने प्रिंसिपल, क्योंकि अपन ने प्रिंसिपल स्ट्रेन अभी तक सीधे सीधे स्ट्रेसेस के फॉर्म में देखे, स्ट्रेन्स के फॉर्म में देखा ही नहीं है, क्योंकि पहले स्ट्रेसेस को अपन ने स्ट्रेसेस के टर्म्स में निकाला था कि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 लग रहे हैं तो, या P1 P2 लग रहे हैं तो कैसे लग रहा है। ठीक है, तो मान लो ये मेरी बॉडी थी, ये मेरी बॉडी थी, ठीक है, यहां इस डायरेक्शन में लग रहा E1, यहां E2 आ रहा है और एक गामा आ रहा है, अपन शियर को गामा से नोट करते हैं, गामा शियर स्ट्रेन को। ठीक है, अब इसके टर्म्स में मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम व्हाट, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या चाहिए, स्ट्रेन चाहिए, तो वही E1 plus E2 by 2 सेम हमें सीधा उसमें नहीं जा रहा, मोर सर्कल ऐसे ही प्लॉट होगा और जो एनालिटिकल मेथड होंगे वो भी डायरेक्ट आ जाएगा, प्लस अंडर रूट और यहां पर आएगा E1 minus E2 का होल स्क्वायर प्लस गामा by 2, यहां अब गामा by 2 है। देखो प्रिंसिपल स्ट्रेन से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, पर फिर भी अपने को पता होना चाहिए E1 plus E2 by 2 और यहां माइनस आ जाएगा, देखो लो ये रेडियस बनती है E1 minus E2 by 2 whole square gamma by 2। ठीक, और अगर मुझसे क्या क्या पूछे, tan theta पूछे, कौन सा वाला, जो प्लेन पे लाई करेगा, मतलब प्रिंसिपल प्लेन वाला, tan 2 theta, tan 2 theta कितना आएगा देखो, बताओ ये आ जाएगा हमारा strain upon E1 minus E2। ठीक, तो ये आ गया हमारा। ओके, क्लियर, तो अपन ने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी देख लिए, प्रिंसिपल प्लेन्स भी देख लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स भी देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके और क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर अपन आगे थ्योरीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो आपको सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ठीक है, अब टाइम बहुत कम बचा है, कम तो नहीं बचा है पर फिर भी टाइम निकलता जा रहा है, ऐसा नहीं बैठना कि अपन को बस अभी बहुत टाइम पड़ा, नहीं, ठीक है, एग्जाम टाइम पे ही होगा और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।